मिनिस्टर केयर सिंह वजीर आजम मोदी बनाए, उसके पैसों का क्या हुआ बताओ? 3000 करोड़ उसमें है, बताइए अमित शाह वो 3000 करोड़ कहां गए, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ? 3000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में है, वो 5-6000 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड बताओ अमित शाह कौन से बैंक में आपने रखे, तुमने क्या किया? और बोलते मुस्लिम वोट बैंक है, अरे अमित शाह ट्रिपल तलाक CAA NRC NPR ये सब कानून ये भी आप बनाए तो आपके वोट बैंक के लिए बनाया आपने, बताओ ये क्यों बनाया आपने? एनकाउंटर बुलडोजर आप करते हैं तो आपके वोट बैंक के लिए करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर मेरा वोट बैंक होता, अगर मेरा वोट बैंक होता अमित शाह, तो तुम 4 साल से चीन को नहीं निकाल सके। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं चीन को भारत की जमीन आने नहीं देता। अगर मेरा वोट बैंक होता अमित शाह, तो मैं चीन को हार कर फेंकता डेमसांग और डेमचाक से। अगर मेरा वोट बैंक होता अमित शाह, तो मैं चंद घंटों की मोहलत देकर लॉकडाउन नहीं करता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं पहले से तैयारी करता कोविड के इंजेक्शन की, मैं 25-30 लाख भारत के लोगों को मरने नहीं देता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं गरीबों के अकाउंट में पैसे डालता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं बिल्कुल बानों की अस्मत रेजी करने वालों को नहीं छोड़ता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो इस मुल्क में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं किसी को फसाद करने नहीं देता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद को और मजबूत करता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं दलितों को ऊंचाइयों पर लेकर जाता। मगर तुमने 10 साल में क्या किया बताओ? इस मुल्क में तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने, और बर्बादी की तरफ इस मुल्क को आप लेकर चले गए।